स्क्रिप्ट को एज अ पैरामीटर कैसे यूज करते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। अब मेथड कैन टेक एन मेथड ऑब्जेक्ट, जैसे हम पैरामीटर्स देते हैं डेटा टाइप, वैसे ऑब्जेक्ट को भी एज अ पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं मेथड के अंदर। ठीक है सर। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट क्या किसका बनाया, डेटा का, यानी कि इसका, ठीक है, डीए नाम से, ठीक है। अब इससे हम डेटा वन और डेटा टू दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट है एक और सेट डेटा, दूसरा क्लास है, उसको भी ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे हमने एसडी। अब इससे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये भी ये डेटा वन और डेटा टू कर सकते हैं, डी वन डी टू, मतलब ये जो इसमें डाल दिया, ठीक है। डी वन डी टू क्या है, डी वन यहाँ पे देखिए डी वन डी टू है ना, ये यहाँ पे बनाया हुआ है इसको, तो मतलब मेन इसका पर्पस क्या है कि डी वन क्या है हमारा, डी वन तो हमारा क्या है कि डेटा टाइप है, ठीक है। डी वन हमारा एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का, डीए क्या है ये बताओ आप, डीए क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे बेसिकली दिखावे कि ऑब्जेक्ट को भी हम एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है।